हेलो दोस्तों, जी सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर नागपुर में आपका स्वागत है। हम इस ट्यूटोरियल में आज सीखेंगे राग देस। राग देस जो खमाज थाट से उत्पन्न होता है उसे हम आज सीखेंगे। और ये मेरे पास में जो फ्लूट है ये ए शार्प मेजर स्केल की फ्लूट है, या आप इसे बी फ्लैट भी कह सकते हैं, या आप इसे काली पाँच भी कह सकते हैं। काली पाँच की फ्लूट मेरे पास में है मेजर स्केल की। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सीजन का नया ट्यूटोरियल जिसका नाम है राग देस। चलिए राग देस के बारे में जो जानकारी दी गई है इसे सबसे पहले आप पूरा नोट कर लीजिए एक प्लेन पेपर में, उसके बाद हम इसे सीखेंगे तो आपको सीखने में आसानी भी होगी। हमने इस ट्यूटोरियल में राग देस के नोटेशंस के अलावा भी जानकारी दी हुई है, जैसे इसका थाट खमाज थाट है, वादी संवादी स्वर, वर्ज स्वर और जाति, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। मैं आपको इसके बारे में सारी चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम सीखना शुरू करते हैं। तो आपने इसे भी नोट कर लिया होगा। आइए हम शुरू करते हैं सीखना भी। तो आइए दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपके सामने ये पूरा राग देस लिखा हुआ है, इसके बारे में जानकारी भी दी हुई है। इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट होगा आरोह अवरोह और उसकी पकड़, दूसरा पार्ट होगा स्थाई विभाग और नेक्स्ट होगा इसका अंतरा, तीसरा पार्ट। इसके नीचे आप देख रहे होंगे हमने लिखी है कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है इस राग से संबंधित। ये राग थाट खमाज से उत्पन्न होता है। इस राग का जो थाट है वो खमाज थाट है। देन उसके बाद में यहाँ पर वादी स्वर रे लिखा हुआ है। वादी स्वर का मतलब ये होता है कि इस राग में सबसे अधिक बार यूज जो स्वर होता है उसे वादी स्वर कहते हैं, मतलब सबसे अधिक बार प्रयोग होने वाले स्वर को वादी स्वर कहते हैं। तो वो वादी स्वर है यहाँ पर रे। उसके बाद संवादी स्वर है प। वादी स्वर के बाद सबसे अधिक जो यूज होता है उस स्वर को संवादी स्वर बोलते हैं, तो वो है प। इस राग में कुछ स्वर वर्ज्य होते हैं। वर्ज्य मीन्स जो स्वर प्रोहिबिटेड होते हैं, जिनको हमें इस राग में नहीं बजाना होता है, वो स्वर है इसमें आरोह में ग और ध। आपने यहां देखा होगा सार आरोह में सा रे म प नी सा लिखा हुआ है। इसमें आरोह में आपको ग और ध नहीं दिया गया है, मतलब ये कि आरोह में जब हम बजाएंगे तो ग और ध नहीं बजाएंगे और अवरोह में सात स्वर बजाएंगे पूरे। उसके बाद में इस राग की जाति है औड़ो संपूर्ण। अब ये औड़ो क्या होता है? औड़ो मीन्स होता है पांच। पांच स्वर जिसमें होते हैं राग में उन्हें औड़ो बोलते हैं। जिस राग में छह स्वर होते हैं उन्हें शाड़ो कहा जाता है, और जिन रागों में सात स्वर होते हैं उन्हें संपूर्ण राग कहा जाता है या संपूर्ण जाति का राग कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा है इसकी जाति औड़ो। औड़ो मीन्स क्या होता है कि औड़ो एंड संपूर्ण दो पार्ट दिए हुए हैं, तो पहला पार्ट आरोह का और दूसरा पार्ट अवरोह का। तो औड़ो मीन्स आरोह में पांच स्वर है सारे मापनी, और अवरोह में पूरे सात स्वर है, इसलिए इसको संपूर्ण बोला गया। तो इस तरह से इसकी जाति हुई औड़ो संपूर्ण। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है इसका आरोह अवरोह और पकड़। तो हम शुरू करेंगे आरोह से। ये मेरे पास में जो फ्लूट है आपको बता चुका हूं मैं कि ये ए शार्प या बी फ्लैट या फिर इसे बोलेंगे हम काली पांच। तो
तो आरोह इस ढंग से बजेगा, आप मेरी फिंगर को फॉलो करेंगे, ये आरोह हो गया। एक बार मैं आप फिर से सुना देता हूं, समझ गया होगा। इसके बाद में हम अवरोह सीखते हैं। अवरोह इस तरह से बजेगा, यहां पर अवरोह में नी के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये स्वर कोमल नहीं है। अभी कोमल नहीं किस ढंग से बजेगा मैं आपको बताता हूं सर। सा ये शुद्ध नहीं हो गया, और कोमल नहीं करने के लिए ध को थोड़ा सा खोलेंगे हम। ये ध बजेगा अभी, उसके ध के बाद मैं आधा खोलूंगा, तो ये होगा कोमल नहीं। ये कोमल नहीं होगा, कौन सा ये साउंड कोमल नहीं का है। अब और सुनेंगे, अभी हम इसकी पकड़ तैयार करेंगे। पकड़ में है रे म प फिर कौमा नी ध प कौमा प ध प म कौमा एंड ग रे ग सा। इस पकड़ को बजाने से हम समझ जाते हैं कि हम अभी कौन सा राग बजाने वाले हैं। वो पकड़ बजाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से बजेगी पकड़, सीखा अवरोह सीखा और अभी पकड़ भी सीख लिया। तो ये तीन चीजें पहले पार्ट में कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं स्थाई की ओर। ये स्थाई है, आपको यहां पर दिख रहे होंगे एक दो तीन चार पार्ट दिख रहे हैं, और चार पार्ट में 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 पार्ट है। इस तरह से हर पार्ट में चार पार्ट में चार चार नोट है, तो इस तरह से टोटल 16 नोट है। इसे बजाएंगे तबले पर हम त्रिताल में। अभी हम तैयार करेंगे स्थाई। इसमें चार पार्ट हैं, चार पार्ट में चार चार नोटेशन दिए हुए हैं, और इसे हम तबले पर त्रिताल में बजाएंगे, तीन ताल जिसे कहते हैं। इसके बारे में मैं जानकारी आपको फिर से दूंगा बाद में अगले ट्यूटोरियल में, लेकिन जब भी आप इसे बजाएंगे तो त्रिताल मीन्स 4/4 के रिदम पैटर्न पे आप बजाएंगे इसे, तो ये आपका राग स्थाई पार्ट बजेगा। तो हम शुरू करते हैं पहली लाइन से। पहली लाइन हमें दो बार बजानी है। पहली लाइन इस तरह से नी ध प म ग रे ग सा रे रे म प नी नी सा के बाद में एस लिखा है, इसका मतलब ये सा को एस तक लंबा बजाना है, दो मात्रा तक बजाना है इसे। सुनिए आप भी, पहले स्लो लेते हैं। एक बार
ये डॉट लगे हैं इसका मतलब ये हायर नोट होंगे, नी कोमल होगा, ध म प सा नी ध प म ग रे रे। फिर से रे ग रे सा, नी ध म प सानी धप मग रे रे। अभी पूरी लाइन बजाएंगे, अब तीसरी लाइन रे ग रे प मग रे सा सारे सानी धप म प। उसके बाद में सारे सानी धप म प, अब पूरा 16 नोट एक साथ। अब ये हो गई तीसरी लाइन। अभी हम क्या करेंगे, पहली लाइन को दो बार बजाएंगे, दूसरी लाइन को एक बार बजाएंगे, तीसरी लाइन को एक बार बजाएंगे, और तीसरी लाइन बजाने के बाद में फिर से हम पहली लाइन को रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हमारा स्थाई पूरा हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे सुनाता हूँ पूरी लाइन है। आपको समझ गया होगा, पहली लाइन दो बार, दूसरी लाइन एक बार, तीसरी लाइन एक बार, एंड देन रिपीट अगेन फर्स्ट लाइन। तो इस तरह से हमारा स्थाई कंप्लीट हो चुका। अभी हम अंतरा बजाएंगे, यह है तुम्हारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अंतरा है। अब आप यहां पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से 16 नोट है। म के बाद में यह मात्रा, इस म को दो मात्रा तक बजाना है। म म प प नी, अभी देखिए म अ, इसको जब हम बोलेंगे म अ म प, फिर ये अ प नी नी सा म ग रे सा। इस एस का मतलब होता है कि मात्रा को, नी मात्रा को अगली मात्रा तक लंबा खींचना पड़ेगा। अब देखिए इसको बजाते हैं। मा म प प नी नी सा सा म ग रे सा। नेक्स्ट लाइन रे प म ग सा रे नी सा। अब ये जो रे और ये प है, ये प सा रे ग म जो हायर म है उसके ऊपर का प है, वो इस ढंग से बजेगा प। आपको भी समझ में आ जाओगा कि म के ऊपर भी प होता है, वो इस ढंग से बजेगा आपका प। फिर से एक बार शुरू करते हैं। रे प म ग, फिर
ये लाइन बची, फिर से एक बार सुनिए। उसके बाद में ये जो लाइन है थर्ड लाइन, ये पहली लाइन यहां की जो रिपीट हुई है फिर से बजेगी। पहली लाइन हम दो बार बजाएंगे, दूसरी लाइन एक बार बजाएंगे और ये फिर तीसरी लाइन रिपीट होगी। सुनते हैं एक बार पूरा। ढंग से हमारा ये अंतरा भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने अभी आपको तीनों पार्ट बताए, आरोह और पकड़ पहला पार्ट, स्थाई ये दूसरा पार्ट, और इसका अंतरा तीसरा पार्ट। और मैंने आपको शुरू में इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी दे दी है। तो इस तरह से हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। जल्दी से सीखिए और फिर हम चलते हैं अगले ट्यूटोरियल की ओर। हम पहले शुरू में सीख रहे हैं सिर्फ स्थाई अंतरा, बाद में हम जैसे जैसे हमारी लेवल आगे बढ़ेगी तो हम सीखेंगे इसके ताने और आगे की चीजें, जैसे हम इसको तबले पर किस ढंग से बजाते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं इसमें रिदम, वो इसके बाद में हम सीखेंगे। पहले आप शुरू शुरू के बिगिनर लेवल के ट्यूटोरियल सीख लीजिए।